हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्वस्ति अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आई सेल्फ भगवंत पांडे, योर सोशल साइंस टीचर। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 3 पार्ट 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। फ्यू पॉइंट्स आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर एंड नाउ आई एक्सप्लेन अनदर पॉइंट्स लाइक राइजिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, होम रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्स, सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज, एक्टिंग फॉर्मेट वर्क्स ऑफ आजाद हिंद फौज। तो बच्चों, हमारे देश में जब राष्ट्रीयता की भावना जागी तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे, जो कि चाहते थे कि नहीं हम मॉडरेट ना रहेंगे, हर बात उनकी ना सुन के थोड़ा एग्रेशन के साथ अपने देश को आज़ाद करें, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से लीडर्स थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये थे। मेड एफर्ट्स टू एक्वायर देयर पॉलिटिकल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, के थ्रू ये चाहते थे। और उसी समय में उन्होंने अडॉप्ट किया मॉडरेट एटीट्यूड। इसके साथ साथ उनको मॉडरेटर्स के नाम से जाना जाता था। जो मॉडरेटर लीडर्स थे उन्होंने प्रिपेयर किया था स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फॉर नेशनल अवेकनिंग बाय द ब्रिंगिंग द मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल टुगेदर। दे शोड सीड ऑफ सेल्फ रूल, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इन द माइंड ऑफ इंडियंस। और इसके साथ साथ का रिजल्ट क्या हुआ कि उससे लोगों में पॉजिटिव और एक ऐसा एटीट्यूड जागा कि उन्होंने जागृत हो गई अपने देश के लिए राष्ट्रीयता की भावना, और कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट एंड एंथुसिज्म की भावना भी लोगों में जागृत हुई। ये लीडर्स जो थे, जो मॉडरेट लीडर्स थे, इन कंट्रास्ट टू द मॉडरेट आइडियोलॉजी, जो दूसरा ग्रुप था जिन्हें तीन की तिकड़ी बोला जाता था, लाल पाल और बाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों की जोड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना था। ये लीडर्स जो थे वो कहते थे कि हमें अपने देश में अपना रूप लाने के लिए एग्रेशन लाना पड़ेगा, तभी हमारा रिवोल्यूशन एग्रेसिव रिवोल्यूशन में जब कन्वर्ट होगा तो लोगों की जो गुड डिटर्मिनेशन के कारण उनमें राष्ट्रीयता की भावना और ज़्यादा जागृत होगी। जो लोकमान्य तिलक थे इनके बारे में हम बताएंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो बहुत फेमस हो गए, तो लोकमान्य तिलक के नाम से उनको जाना जाने लगा। और वो प्रोमिनेंट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के, उन्होंने स्लोगन दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अटेन इट श्योरली। ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशंस ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती। ही स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर्स, केसरी इन मराठी लैंग्वेज एंड मराठी इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इस तरह से उन्होंने इसको जो इम्पैक्ट था बहुत ज़्यादा इसका फैला, और लोगों में जब भावना जागृत हुई राष्ट्रीयता की, उसका क्रेडिट उनको जाता है। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है होम रूल मूवमेंट में 1961 में जो हुआ था। फिर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय बच्चों, उन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर्स, कौन से? द पंजाबी एंड द पीपल। और उन्होंने स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट किया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट व्हेन ही वाज बीटन बाय स्टिक्स। ही सेड दैट ईच ब्लो ऑन हिम वुड रिजल्ट इन द ग्रेव फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल वेयर ही डाइड। बच्चों, उन्होंने कहा जो जो मेरे ऊपर लाठियाँ पड़ी है ये ब्रिटिश एम्पायर को उनकी कब्र तक ले जाएगा, और हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया जहाँ पर बाद में उनकी मृत्यु हो गई। फिर बिपिन चंद्र पाल, थर्ड नेशनल लीडर इन द ट्रिपलेट ग्रुप लाल पाल एंड पाल वॉज बिपिन चंद्र पाल। इनिशियली ही केम इन टच विद ब्रह्मो समाज, ही स्टार्टेड अ वीकली न्यू इंडिया एंड अ न्यूज़ पेपर वंदे मातरम उन्होंने शुरू किया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था कि उनको एक्यूज़ किया कि उन लोगों ने लोगों को, यंगस्टर्स को भड़काया है। ही वॉज इन फेवर ऑफ एक्वायरिंग स्वराज थ्रू एग्रेसिव रिवोल्यूशन। उनका मानना था अपनी स्वतंत्रता हम शांति से नहीं बल्कि उनको डरा धमका कर ले सकते हैं। फिर बच्चों, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग थी 1906 में हुई, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी उससे लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जो था काफ़ी झटका लगा। उन्होंने जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनकी नेशनल यूनिटी को हम किसी भी तरह से भंग करेंगे भारतीयों की। उन्होंने मुस्लिम लीग फॉर्म की ढाका में 1906 में, और इस तरह से उसका रिलीजियस जो मुस्लिम के थे, आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, सलीमुल्ला, वायसराय मिंटो, इन लोगों ने मिलकर के एक इसकी स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण स्थान उनको मिलता है। फिर होम रूल मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक ने स्टैब्लिश किया था होम रूल लीग को पुणे में अप्रैल 1916 में, और उन्होंने अनाउंस किया था कि
जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर ही रहूंगा, यानी कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल रिमेन इट एंड आई विल अटेन इट श्योरली। ही रोट आर्टिकल इन केसरी एंड मराठा। उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस डिलीवर की और उसके फेवर में लोगों को पॉजिटिव ओपिनियन मिला। लोकमान्य जो थे ड्यूरिंग दिस टाइम, उनको लोकमान्य की उपाधि से उपाधि दी गई और अलंकृत किया गया इस उपाधि से। एनी बेसेंट को स्टैब्लिश किया उन्होंने कहा मद्रास में अप्रैल 1916 में। दोनों ने ऑर्गेनाइज किया इसको पूरी तरह से और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाया। द कॉमन एनी बेसेंट ने भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे द कॉमन वेल एंड इन डेली न्यू इंडिया में। जो न्यू एनी बेसेंट थी उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरी तरह से मोर्चा संभालने की शपथ ले ली थी। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सपोर्टेड द होम रूल मूवमेंट, दोनों ने इसको सपोर्ट किया था। एनी बेसेंट बहुत प्रिजन और जेल में थी। इसके साथ साथ कहाँ पर उत्कावन में और एट वेरियस प्लेसेस एसोसिएशन एंड प्रोसेशन वर टेकन आउट एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हर। लोगों ने उनकी बंदी बनाने के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था और वो चाहते थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें फ्री करना पड़ा। फिर बच्चों लखनऊ पैक्ट, जॉइंट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन मुंबई 1915। आफ्टर वन ईयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड द एनुअल कॉन्फ्रेंस इन 1915 इन लखनऊ। द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट ग्रुप्स वर सेपरेटेड इन सूरत कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1907। नाउ दे बिकेम यूनाइटेड, वो जो अलग हो गए थे लखनऊ पैक्ट के टाइम पर वो लोग वापस संगठित हो गए। इट केम टू बी नोन एज लखनऊ पैक्ट। विद दिस पैक्ट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू नेशनल वेल बींग एज पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइट फॉर स्वराज गॉट मोमेंटम। इस तरह से स्वराज के लिए फाइट अच्छी तरह से शुरू हो गई। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सुभाष चंद्र बोस जो थे 23 जनवरी 1879 कटक जो कि उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे बचपन से और उन्होंने फोर्थ पोजिशन IAS एग्जाम में लंदन में सिक्योर की थी 1920 में। इसके बाद वो भारत आए और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। उन्होंने अलग अलग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उन्हें पकड़ लिया गया और बंदी बना लिया गया। ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस इन हरिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन 1938 में उन्हें प्रेजिडेंट बनाया गया। बाद में प्रेजिडेंट बने दूसरी बार त्रिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1939 में। सर्टेन अपोजिशन एंड डिफरेंसेस इन ओपिनियन फोर्स हिम रिजाइन फ्रॉम द प्रेजिडेंशिप। कुछ कारणों से उनको इस प्रेजिडेंशिप से रिजाइन करना पड़ा और 1939 में मई में सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन यूरोप में हो चुका था। फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्टेड एंटी वॉर प्रोपोगेंडा थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सुभाष चंद्र एंड हिज कंपेनियंस वर अरेस्टेड एंड प्रिजन। उनको पकड़ करके और उनके दोस्तों को भी जितने थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ व्रत करना कर दिया और जब उनकी तबीयत खराब हो गई उन्हें फ्री कर दिया गया जेल से। ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट। उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने खुद को अपने जो घर में उन्हें नज़रबंद किया था वहाँ से उन्होंने खुद को मुक्त किया और वो बर्लिन वाया पेशावर कहाँ पहुँचे। बर्लिन वाया पेशावर काबुल और मॉस्को। ही रीच बर्लिन एंड द ब्रिटिशर्स वेयर शॉक टू हियर हिज स्पीच ऑन रेडियो। और जब उन्होंने वहाँ से स्पीच दी तो सारे ब्रिटिशर्स शॉक्ड हो गए। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान वाया सुमात्रा। वहाँ से वो जापान गए वाया सुमात्रा। जर्मनी एंड जापान वेयर एनिमीज ऑफ ब्रिटिश। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड हिज कम्युनिकेशन विद जर्मन लीडर हिटलर एंड जापान प्राइम मिनिस्टर तोजो। जापान वुड बी हेल्पफुल सो सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू स्टार्ट द फाइट विद द हेल्प ऑफ अनदर एशियन कंट्री। और सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया जितनी और दूसरी एशियन कंट्रियों के साथ मिलकर वो देश को आज़ाद करने की फाइट शुरू करेंगे। एज द कैप्टन ऑफ आजाद हिंद फौज एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी हुज नेम वाज मोहन सिंह फ्रॉम आजाद हिंद फौज विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु हैड गॉन टू जापान फॉर हेल्प ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड राज बिहारी बोस। मोहन सिंह हैड टू रिजाइन। द फ्यूचर ऑफ आजाद हिंद फौज बिकेम इनडिसिसिव एंड अनसर्टेन फॉर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम। विद यूनानिमस डिसीजन राज बिहारी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस इन द सुप्रीम लीडर ऑफ द आजाद हिंद फौज ऑन
4th जुलाई 1943 से आजाद फौज का प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को, जो पूरी अथॉरिटी थी उनको दे दी गई। और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी तरह से चार्ज लेकर के इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी 1943 में, और उन्हें एक ऑनर दिया गया यानी आदर दिया गया नेताजी के नाम से, और सब उनको नेताजी के नाम से बुलाने लगे। उन्होंने हमें स्लोगन दिए, चलो दिल्ली जय हिंद अपने देश के लिए। ही टूर्ड द होल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड पर्सुएडेड इंडियंस ओवर देयर टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। ही सेड टू द पीपल, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका स्लोगन था, यानी कि यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। With this slogan, he added fuel to the fire of freedom struggle. इस तरह उन्होंने पूरी तरह से आग लगा दी देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों के हृदय में। एक्टिंग गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस एक्टिंग गवर्नमेंट स्टैब्लिश अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद इन सिंगापुर इन अक्टूबर 1943, और इसका उन्होंने चार्ज लिया। सुप्रीम हेड थे उस फौज की, और दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका, और इस गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इंग्लैंड और अमेरिका के अगेंस्ट युद्ध घोषित कर दिया। वर्क ऑफ आजाद हिंद फौज, क्या वर्क था? आजाद हिंद फौज वॉज रीप्लान्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही बिकेम द हेड ऑफ आर्जी हुकूमत आजाद हिंद। स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग वॉज गिवन टू द सोल्जर्स। सुभाष चंद्र बोस प्रिपेयर्ड वेरियस बटालियंस इन आजाद हिंद फौज, उनको काफ़ी कड़ी जो थी कि ट्रेनिंग दी गई और उन अलग अलग बटालियंस बनाए। 4 बटालियंस थी आजाद हिंद फौज की बाय सुभाष चंद्र बोस। द नेम्स गिवन टू द डे, क्या नाम दिया था? गांधी, सुभाष, नेहरू और आजाद। A special and separate battalions were constituted only for females, और जो females थी उनके लिए भी एक अलग battalions बनाई गई। The team of female battalion was led by Captain Lakshmi Sehgal. कौन थी इसकी कैप्टन? लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज acquired victory in various areas of East India like Arakan and Imphal. Later on, due to the less supply of food and excessive rain, the force had to move back. जब लोग वहाँ पहुँचे Arakan and Imphal में ईस्ट एरिया के, और बाद में जब सप्लाई खाने की नहीं हो पाई और बहुत ज़्यादा रेन हो गई बारिश के कारण, आजाद हिंद फौज को पीछे जाना पड़ा। जापान ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब ऑन अमेरिका, जापान ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब, और इससे क्या हुआ, जापान हार गया और सिचुएशन ऐसे भी वॉर ने चेंज कर दिया। आजाद हिंद फौज बिकेम हैजी एंड 4,000 सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड एंड 25,000 वेर अरेस्टेड। इस तरह से इतने 4,000 जो सैनिक पकड़े गए और 25,000 सैनिक को अरेस्ट कर लिया गया। नेताजी हैड टेकन ओवर, उन्होंने शपथ ली कि ही वुड नॉट स्टेप इन द इंडिया विदाउट फ्रीडम, बिना स्वराज हासिल किए अपने देश को आज़ाद किए बिना वो भारत की पृथ्वी में जमीन में पैर नहीं रखेंगे। नेताजी लेफ्ट रंगून एंड बैंकॉक एंड मूव फॉरवर्ड बाय एयरवेज। नेताजी रंगून छोड़ा और लेफ्ट उन्होंने रंगून और बैंकॉक उसके बाद के लिए वो बाय एयर जाने लगे। तो इसके कारण जो जापानी सोर्स कहते हैं कि जब प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम ताइपाई एयरपोर्ट और से जब उन्होंने प्लेन उड़ा 18 अगस्त 1945 को, तो ये प्लेन क्रैश हो गया और आग ने इस प्लेन को पूरी तरह से जकड़ लिया, और इसी में वो सुभाष चंद्र बोस सीरियसली इंजर्ड हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी भी इसके बारे में मतभेद है। बच्चों, आज हमने जो पॉइंट्स पढ़े और पीछे वाले पॉइंट्स पे एक बार मैं आपको बता दूंगी कि इस चैप्टर में हमने नेशनलिज्म इंडिया यानी भारत में राष्ट्रीयता की भावना कैसे जागृत हुई, क्या रीजन थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, न्यूज़पेपर, मैग्निफिशेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया हमने पढ़ा, साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिवाइड एंड रूल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंग बंग मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, नेशनल एजुकेशन, राइजिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग हमने पढ़ा, होम रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ हमने एज ए कैप्टन ऑफ आज़ाद हिंद फौज पढ़ा उनके बारे में, उनकी एक्टिंग गवर्नमेंट और वर्क ऑफ आज़ाद हिंद फौज तक हमने पढ़ के ये चैप्टर 3 फिनिश कर दिया। होप आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।